स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इस तरीके के जो ए लाइन जिपर पाउच होते हैं उसको बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल है फोल्डिंग ट्रिक के साथ बनाएंगे और कपड़े का एक सिंगल पीस सिंगल एक क्विल्टेड पीस से बनाएंगे तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा मैंने यहाँ पर देखिए लाइनिंग का कपड़ा लिया है पीछे और बीच में हमारी फोम शीट है ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है आप फोम शीट ना हो तो रबर शीट राइस बैग आटा बैग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सिलाइयाँ लगाकर इसे क्विल्ट कर लेंगे क्विल्ट करने के बाद इसे वन पीस में कंप्लीट करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे तो इस तरीके के ए लाइन जो जीपर पाउच बनाते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा जिपर वाला जो क्विल्ट पीस होता है ना उसको अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा आपका सिर्फ एक सिंगल पीस में ही कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल नया तरीका है देखिए इस तरीके से सिलाइयाँ लगा के हमें इसे क्विल्ट करना है जितना भी एक्स्ट्रा होगा कट कर लेंगे तो एक्स्ट्रा कट कर लिया मैंने बीच में जो पिनअप किया था सारी पिंस निकाल लिया है और बीच में लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा के इसे क्विल्ट कर लेंगे क्विल्ट करने के बाद ये हमारे पास वन पीस आ चुका है लेंथ देख लीजिए कितनी है लेंथ है ये सिक्सटीन इंच और ऐसे वर्थ है इसकी थर्टीन इंच तो इस तरीके से मैंने वन पीस लिया है थर्टीन इंच वाले एरिए में आप ज़िप को अटैच करेंगे जिप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखना है और ऐसे रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है मैंने सिलाई लगा ली अब देखिए सिलाई लगाने के बाद हम जिप को पलट के टॉप स्टिच लगाते हैं ऐसे हमें ऐसे नहीं करना है इस पर मैंने सवा इंच की पट्टी ली है कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रखा है और पूरे पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगा लिया सिलाई लगाने के बाद अब देखिए जिप को हमें ऐसे करना है और कपड़े को पीछे की तरफ पुश कर देना है अब पीछे की तरफ पुश करने के बाद इसके ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगाना है पूरे पर टॉप स्टिच लग चुकी अब देखिए जो पट्टी को फोल्ड किया था पीछे की तरफ उसे अंदर की तरफ़ फ़ोल्ड कर लेंगे और पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे तो इससे ज़िप हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है ज़िप का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है पलटने के बाद वो रनर में फंसता नहीं है तो ज़िपर हमारी लंबे समय तक चलती है तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी लगा के इसको फिनिश कर लिया है ज़िप को ओपन करेंगे दूसरे साइड लगाएंगे सेम प्रोसेस ज़िप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखना है और पूरे पर सिलाई लगाना है तो सेम तरीके से पट्टी से दोनों को फिनिश कर लिया है अब डालेंगे हम इसमें डबल रनर तो दोनों को एक एक साइड से डालेंगे एक साइड से एक रनर को और दूसरे साइड से दूसरे रनर को दोनों वायर को ऐसे ओपन कर लेंगे अगर वायर ओपन करते समय धागे रेशे भी साथ में आ रहा है तो उसे कट कर लीजिए अब रनर का जो राउंड वाला फेस होता है इसके एक होल में एक वायर को और दूसरे होल में दूसरे वायर को हल्का सा इंसर्ट कराएंगे पुश करिए देखिए रनर हमारा इजली आ जाता है इसी तरीके से दूसरे साइड से भी डालेंगे अब देखिए जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे अब दो मिनट के लिए इसे साइड में करते हैं कपड़े की पट्टी ली है मैंने ये है एट इंच ऐसे है टू पॉइंट फाइव इंच डबल फोल्ड करके एक और फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगाना है तो ये हमारा लूप बन जाएगा अब जो मैंने वन पीस ये बनाया था जिपर वाला इसे उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद देखिए जिप को हमें ऊपर टॉप पे ले जाना है नीचे की तरफ छोटा सा कट लगाना है जहाँ मैं कट लगा रही हूँ वहाँ पे आप बिना कट लगाए मार्क भी लगा सकते हैं अब इस ज़िप वाले साइड पे इस लूप को हमें ऐसे फोल्ड करना है फोल्डेड साइड अंदर की तरफ है और जो रफ साइड है उसकी बाहर की तरफ है ऐसे करते हमें स्टिच कर लेना है तो ये मैंने स्टिच कर लिया स्टिच करने के बाद देखिए क्या करना है जो कट वाला पॉइंट था और जो जिप वाला पॉइंट था इसे आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है तो इस तरीके से फ्लैट कर लीजिए पूरे पर सिलाई लगा लीजिए दूसरे साइड भी देखिए इस तरीके से जो मैंने ज़िप को ऊपर किया था और नीचे कट लगाया था ना इसी कट को और ज़िपर वाले पॉइंट को मिलाना है और सिलाई लगा लेना है दोनों साइड सिलाई लग चुकी है अब रफ साइड को फिनिश करने के लिए सवा इंच की मैंने कपड़े की पट्टी ली है अब सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया है अब सिलाई लगाते जब नीचे आएंगे तो इसे भी फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है डबल फोल्ड करेंगे और पूरे पर सिलाई लगा लेंगे जैसे मैंने इस साइड किया है रफ़ साइड फिनिश इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी रफ़ साइड को फिनिश कर लेंगे दोनों साइड मैंने फिनिश कर लिया है अब देखिए जो जीपर वाला पॉइंट है ना इसको ऊपर की तरफ खींचना है हमें ऐसे इस तरीके से करना है जो कॉर्नर पॉइंट है ये आपस में मिल जाने चाहिए और यहाँ पर हमारा स्क्वायर जैसा बन जाना चाहिए दोनों साइड पे दोनों कॉर्नर पॉइंट को आपस में मिला लिया ये देखिए ये हमारे चार पार्ट में आ गया अब इसी पे हमें मार्किंग करनी है ये जो सीपर वाला एरिया है ना ये नीचे पॉइंट पे जाना चाहिए तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे इस कॉर्नर पॉइंट से तो ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे फोर इंच पे तो बहुत ध्यान से देखिएगा और मैंने स्पीड भी नहीं इसमें बढ़ाई है तो यहाँ पर देखिए फोर इंच पर निशान लगाना है जीपर वाले साइड पर जब ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे तो ये मैंने फ़ोर इंच पर लगा लिया और इसी कॉर्नर पॉइंट से नीचे की तरफ थ्री इंच पर निशान लगा लिया ये देखिए ये मेरा थ्री इंच पे है तो थ्री इंच पर निशान लगा लिया अब इन दोनों निशान को आपस में मिलाना है और तिरछी लाइन खींच लेना है अब जैसे इस साइड पर निशान लगाया है उसी तरीके से दूसरे साइड पर निशान लगाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ लगाना है फोर इंच पर निशान और इसी कॉर्नर पॉइंट से नीचे की तरफ हमें लगाना है थ्री इंच पर निशान अब इन दोनों निशान को आपस में मिलाना है और तिरछी लाइन खींच लेना है तो देखिए दो तिरछी लाइनें आ चुकी हैं इस कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ है फोर इंच और इसी कॉर्नर पॉइंट से नीचे की तरफ है थ्री इंच सेम तरीके से दूसरे साइड और तिरछी लाइन मैंने खींच के इस पर सिलाई लगानी है तो अभी सिलाई बाद में लगाती हूँ दूसरे साइड भी सेम तरीके से मार्क कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट से ज़िपर वाले साइड पे ऊपर की तरफ लगाना है फोर इंच, इंच।, इंच और नीचे की तरफ लगाना है थ्री इंच तिरछी लाइन खींचनी है सेम तरीके से दूसरे साइड ऊपर की तरफ फोर इंच और नीचे की तरफ थ्री इंच इन दोनों निशान को आपस में मिलाना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है अब इन्हीं निशान पर जो मैंने लाइन बनाई है ना इसी पर हमें सिलाई लगानी है कुछ नहीं करना बहुत सिंपल है तो सिंपल सी ऐसे सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी तो चारों साइड मैंने सिलाई लगा ली है अब देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा अब जो ये चार ट्रायंगल जैसे बने हैं ना इसे हम कट कर लेंगे तो सिलाई नहीं कटनी चाहिए ध्यान रखिएगा तो इसे मैंने कट कर लिया अब इसके रफ़ साइड को फिनिश कर लेते हैं तो कपड़े की मैंने सवा इंच की पट्टी ली है सीधी साइड नीचे की तरफ़ रखा है ऊपर से पहले फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाते जब नीचे आएंगे तो उसे भी नीचे से अंदर की तरफ़ फ़ोल्ड कर लेंगे इससे फिनिशिंग अच्छी आती है जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेट पट्टी से फिनिश किया था ना सेम तरीका डबल फोल्ड कर लेंगे और पूरे पर सिलाई लगा लेंगे तो इसी तरीके से चारों रफ साइड फिनिश हो जाएंगे तो देखिए चारों रफ साइड मैंने फिनिश कर लिया है प्रॉपर फिनिश्ड है कहीं भी कोई रफ साइड नहीं है ज़िपर वाले साइड से इसको ओपन करेंगे पलट के सीधा करेंगे सारे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लीजिए तो देखिए वाइड ओपनिंग के साथ ये हमारा ज़िपर पाउच बना है ए लाइन जीपर पाउच और ये बहुत फिनिशिंग से बना है कोई रफ साइड नहीं है ज़िपर भी प्रॉपर फिनिश्ड है अंदर से अच्छा बेस बना है और देखिए आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ज़िपर वाले साइड को आपको क्विल्ड करके अलग से ज्वाइन करना है कुछ नहीं करना है और क्यूट सा आपका ज़िपर पाउच बन के रेडी हो चुका है देखिए ए लाइन जीपर पाउच बनाने के बहुत ही आसान तरीका है सिंपल एक सिंगल क्विल्ट पीस से बनाया है मैंने तो ये इसको आप मेकअप पाउच की तरह यूज़ कर सकते हो मेडिसिन वगैरह रखने में यूज कर सकते हो बच्चों को दे सकते हो किसी भी तरीके से यूज़ करिए मैंने इसमें कुछ दुपट्टे फिल किए थे ताकि इसका प्रॉपर शेप आपको दिखा पाऊँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है तो अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ ये देखिए यहाँ पर ये लेंथ है इसकी सिक्स इंच और ऐसे वर्थ है इसकी सिक्स इंच साइड्स देख लेते हैं तो नीचे की तरफ़ ए लाइन में है हमारा तो नीचे की तरफ है ये टू पॉइंट फाइव इंच और ऊपर की तरफ है ये वन पॉइंट फाइव इंच बॉटम देख लेते हैं तो बॉटम है इसका टू पॉइंट फाइव इंच तो इस तरीके से क्यूट सा हमारा सिंगल पीस में बना है ये ए लाइन जिपर पाउच बहुत ही ईजी सिंपल तरीका है प्रॉपर फिनिश्ड है वाइड ओपनिंग के साथ है आई होप मेरा ये सिंपल सा आइडिया आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक like, शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ थैंक यू